वेलसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी बात बोली गई है। रियलिटी में आप लोगों ने जिंदगी में कई बार देखा होगा, कई सारे लोग जो है बहाने बनाते हैं, यार जिंदगी में इस चीज की कमी हो गई है, जिंदगी में उस चीज की कमी हो गई है, इसकी वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर सीधे सीधा ये बोला गया, द प्रॉब्लम इज नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज, और ये आप लोग कैपेबिलिटी बोलिए, बट लैक ऑफ विल। यानी कि हर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है। अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग सोचते हैं यार हम लोग ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो कर रहा है ना वो भी आज के टाइम जो अचीव कर चुका है, एक टाइम पर उसके मन में भी कुछ ऐसे विचार आते थे कि पता नहीं हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर आज के टाइम में वो इंसान उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि कोई कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, बस लेकिन एक विल की कमी है। आप लोगों के अंदर जो विल है ना, एक तरीके से कि इस काम को करना है नहीं करना है, अपने आप खुद श्योर नहीं है कि हाँ चलो कर देख ही लेते हैं, यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाती है। जब तक आप लोग ये ठप्पा नहीं लगाओगे ना, कुछ भी हो जाए भाई साहब करना ही करना है। आप लोगों को याद है कि इलोन मस्क जो है, उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें बेसिकली उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी बर्बाद होने वाली थी, उसके बाद में वो इंसान कंगाल होने वाला था, पर लेकिन सारी चीजें उसने उसके ऊपर लगा दी। क्यों? क्योंकि उसको अपनी कैपेबिलिटी पर एक तरीके से विश्वास था अपने ऊपर, और इसी के साथ में उसकी विल पावर इतनी तकड़ी थी कि कुछ भी हो जाए यार ये काम करना है। तो वो वाला जज्बा जिस इंसान के अंदर आ गया, वो इंसान झंडे गाड़ के चला गया। अब आप लोग देखिए, आप लोगों के जो रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो रियलिटी में दिक्कतें हैं या फिर आप लोगों ने अपने माइंड से, दिमाग से वो दिक्कतें बना रखी हैं, और अगर दिमाग से बना रखे तो उनको उखाड़ कर फेंकिए और अपने गोल की तरफ को आगे अग्रसित होइए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को कभी भी आप लोग किसी के भी कंपेयर में बेसिकली छोटा या फिर एक तरीके से अंडरमाइन न करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैसे मैंने कल आप लोगों को ये बेसिकली आर्टिकल पढ़ाया भी था, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। बात की जा रही है रेप के बारे में। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है, बेसिकली बात की जा रही है कि मोर देन 2/3 ऑफ द मैरिड वुमेन जो है आज के डेट में इंडिया में, जिनकी एज जो है वो 15 से लेके 49, यानी कि 15 से लेके 49 के बीच में है, उनको मारा पीटा जाता है और फोर्सफुली उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, यूएन पॉपुलेशन जो फंड है इसके हिसाब से। ठीक है, हर 5 में से अगर एक बात करें, मैन जो है वो फोर्स करता है वाइफ को, फिजिकली एक तरीके से फोर्स किया जाता है रिलेशन बनाने के लिए। इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे ये बात बोलता है। यानी कि दो रिपोर्ट है, एक यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा बात की गई है और दूसरा इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की गई है। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कल का आर्टिकल अगर आप लोगों ने काफी अच्छे से सुना है तो इसका आंसर आप लोग काफी प्यार से दे पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है, डिटेल में देखिएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में दो पोर्शन पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, एक तो होगा एडिटोरियल वाला पोर्शन और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन। तो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर हम लोग यहां पर नजर डालने वाले हैं। एडिटोरियल में क्या क्या एडिटोरियल हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, जो यहां पर ये फर्स्ट वाला आर्टिकल है, यूक्रेन के बारे में बातें की जा रही है कि इंडिया जो है वो मीडिएशन का काम कर सकता है और हम लोग जितना चाह रहे हैं उतना कर भी पा रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये है, हम लोग चाहते हैं कि यूएन में जाकर इसका सोल्यूशन हो, ना कि इंडिया सोल्यूशन निकाले। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। इग्नोर कर सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि जब तक वॉर का एंड नहीं होता है दुनिया भर के आर्टिकल आएंगे, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान की पॉलिटिक्स है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अभी जो है रस्साकसी चल रही है और डामाडोल वाली सिचुएशन है, इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है, जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और नॉर्मली भी आप लोगों को बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। अगर कल को आप लोग एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो ऐसी चीजें अगर पता होगी तो अच्छे से पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन आप लोग कर पाएंगे। माइग्रेशन के इशू के बारे में बात की जा रही है, समझेंगे एक एक पॉइंट जिससे कि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ऑटिज्म के बारे में बात की जा रही है, ऑटिज्म डे और ऑटिज्म से रिलेटेड बीमारी के बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा, समझेंगे इसके बारे में अच्छे से। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहां पर, ये आज के डेट में सोशल मीडिया का जो यूज किया जा सकता है कैसे गवर्नेंस के अंदर में, वो बताया गया है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। तेलंगाना के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो एक अच्छा और बेहतरीन आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब इसको जब बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे आखिर बेहतरीन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक डिजिटल मीडियम जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के में सोसाइटी में चीजों को कनेक्ट करने में, तो अच्छे से समझेंगे। ये है डेटा पॉइंट यहां पर ये बता रहा है कि बेसिकली यूरोप के अंदर में कौन कौन कहां कहां से कितनी गैस खरीद रहा है। यूरोप के अंदर में बेसिकली ये बोल रहा है कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है,
जैसे रसिया जो है उसके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहा है यूरोपियन कंट्री को, क्योंकि लगभग 35% जो उनकी गैस की पूर्ति है वो रसिया करता है, गैस और ऑयल की पूर्ति। कल को चलकर रसिया ने बोल दिया कि नहीं देंगे भाई साहब, तो इनको दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहां पर अगर बात करें, अभी G7 कंट्री को रसिया ने साफ साफ बोल दिया कि डॉलर नहीं चलेगा भाई साहब, डॉलर नहीं लेंगे हम लोग, रूबल लेंगे, अगर हमारी रूबल नहीं दोगे तो हम लोग नहीं व्यापार करेंगे, क्योंकि यहां पर वो यूएसए डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं। तो इसके चलते भी आप लोगों को चीजें भी यहां पर देखने को मिल रही है। ये डेटा में बताया गया कौन कौन सी कंट्री जो है कितना कितना यहां पर बेसिकली आज के डेट में रशिया के साथ में उसका शेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई गई है यहां पर, तो पूरा का पूरा डेटा पॉइंट है ये, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी, जहां से जाकर आप लोग इसको आसानी से देख लेना, और फ्यूचर के लिए भी आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। टेलीग्राम के तीन ग्रुप है जहां पर मैं चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, एक तो स्टडी लव और वीर के नाम से, जहां पर पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाती है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को बेसिकली जो सारी जो नहीं तरीके वीडियो के लिंक भी मिल जाते हैं, कोई वीडियो मिस नहीं होगी। दूसरा है आंसर राइटिंग वाला ग्रुप जो कि वीर तालियान के नाम से, यहां पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, रेगुलर दो क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, अच्छे से आप लोग लिखे यहां पर और एक दूसरे का आंसर एनालाइज भी कर सकते हैं। तीसरा जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा SLVpedia, तो यहां पर रेगुलरली आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर प्रस्तुत की जाती है, बेसिकली जैसे विकिपीडिया नहीं है उस तरीके SLVpedia बना रखा है, तो नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं इसी के साथ में डेटा पॉइंट्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए, और डेली जो क्विज आता है हिंदी हिंदू के अंदर वो भी मैं पोस्ट करता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो कितने सारे SLV फैमिली मेंबर है जो इसको अटेम्प्ट करने, बताइए, इसको जरूर अटेम्प्ट किया करो, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देकर इसके ऊपर नजर जरूर डालिएगा, ठीक है। तो ये कई सारी बातें देखने को मिलेगी। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल कवर करा देता हूं, ये है बेसिकली ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। अगर बात करें यहां पर बर्फी मूवी देखी होगी, ये कंप्लीटली ऑटिज्म के ऊपर फोकस है, यानी कि जो बच्चा होता है उसका जो माइंड होता है वो उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाता है जितना नॉर्मल उस एज के बच्चे का माइंड डेवलप होना चाहिए। तो ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और सोसाइटी में अगर कहीं ऐसे बच्चे हैं तो उनको हम लोग को ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा। सेम मूवी यहां पर माई नेम इज खान में काफी शानदार परफॉर्मेंस यहां पर बेसिकली शाहरुख खान के द्वारा दी गई है ऑटिज्म का शिकार, तो यहां पर ये भी मूवी काफी अच्छे से दिखाई गई है। तो जो ऑटिज्म है यहां पर ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कई बार माता पिता को नहीं पता चल पाता है, खासकर इनिशियल फेज में जब बच्चा होता है, तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है ताकि लोग समझ सके कि हाँ यार ऐसी भी कोई बीमारी है और उसको टैकल करना चाहिए। तो आप लोगों को याद भी होगा ये डे मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, और अभी अगर यूके पीसीएस पर आप लोग देख रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा डे भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट डे आप लोग मत छोड़िए, और रेगुलरली मैं डे कवर करता हूं जो आप लोग की शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहां पर कवर किए जाते हैं जो कि PIP और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर होते हैं, और वहां पर बेसिकली ये सारी जो वीडियो होती है ना इसमें करंट और स्टेटिक में कवर करता हूं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है 2 घंटे में करंट अफेयर है तो वो मत सोचिए आप लोग, क्योंकि करंट अफेयर तो बस छोटा सा होता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है फिर, और वो सारा स्टेटिक पोर्शन आप लोगों का कवर हो रहा है, कहीं पॉलिटी कवर होगी, कहीं इकोनॉमिक कवर होगी, कहीं हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं गवर्नमेंट का प्रोग्राम स्टेटिक देखने को मिलेगा। तो इसलिए लेक्चर को इस तरीके से सुनिए कि हाँ करंट नहीं देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, करंट का नाम है पर लेकिन रियलिटी में स्टेटिक पोर्शन है और वही पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो अपने एग्जाम की ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चलना है। तो यहां पर वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है यहां पर ये 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और अवेयरनेस फैलाता है कि यहां पर लोगों को एजुकेट किया जा सके कि यार ऑटिज्म जैसी कोई बीमारी होती है और उसको टैकल करना है। इसलिए थीम भी यहां पर यही रखी गई है कि इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि यहां पर एक ग्लोबल लेवल पर जो इनइक्वालिटी है एजुकेशन में सोसाइटी में लेकर इस तरीके को, तो ऑटिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जान सके समझ सके, और जो लोग इसको फेस कर रहे हैं सोसाइटी में उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सके, या फिर सोसाइटी भी उसको समझे कि हाँ इस तरीके से ऑटिज्म की चीजें होती है, ठीक है। किस किसने देखी है बर्फी मूवी या फिर किसने देखी है माय नेम इज खान, बताइए। ये मूवी अगर ऐसी मूवी आप लोग देखते हैं जिससे कि आप लोगों को चीजें पता चल जाए कि रियलिटी में क्या क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ही देखने बैठ जाएं, कभी टाइम मिले जब अच्छे से पढ़ लो ना, अपने आपको रिवॉर्ड दिया करो। जैसे मेरा क्या रहता है, मुझे लगता है कि मैंने आज अच्छे से मेहनत कर लिया तो मैं मूवी देखने बैठ जाया करता हूँ, ठीक है, तो मैं मूवी का शिकार आदमी हूँ, या फिर बोल सकते हो कि मूवी जो है काफी इंटरेस्ट लगता है मुझे मूवी देखने में, मतलब मूवी काफी देखता हूँ, ठीक है। तो पर लेकिन ऐसा नहीं कोई पर्पजफुल्ली मूवी होनी चाहिए, सही तरीके से जो मूवी देखनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी देखने बैठ गया कि हाँ जैसे मूवी देखनी है तो देखनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं लेकर चलता हूं तेलंगाना के अंदर, ठीक है,
ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग बोल सकते हैं, गवर्नेंस या फिर सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। जब भी कोई भी आर्टिकल पढ़े अपने सिलेबस के साथ में मैच करिए, तभी उस आर्टिकल को पढ़िए, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल जो है आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉर्मली सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पिक्चर वगैरह पोस्ट करते हैं अपने रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, और कई बार कई सारी जो सोशल सोसाइटी से रिलेटेड कोई इंपैक्ट हो गया उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। पर लेकिन रियलिटी में तेलंगाना ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया और ये पहला राज्य बन गया ऐसा कुछ करने वाला। पहले तो तेलंगाना आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोगों को तेलंगाना देखने को मिलेगा और ये हो गया यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी एक इम्पोर्टेंट एक हमारी कंट्री में इवेंट देखने को मिला था, जिसमें यहाँ पर तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो फिर यहाँ पर आज के भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अलग अलग एक तरीके से होड़ लगी है दोनों राज्य में, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी तेलंगाना के द्वारा नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और वो है ट्विटर। ट्विटर पर पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कि एक तरीके से यहाँ पर ट्विटर गवर्नेंस चला रहा है। ट्विटर गवर्नेंस मतलब यानी कि अगर आप लोगों को कुछ लगता है, कोई दिक्कत आप लोगों है, तो तेलंगाना की गवर्नमेंट के उसी मंत्री को आप लोग टैग कर सकते हैं कि भाई साहब एजुकेशन का सिस्टम बेकार हो रखा है, तो उसको आप लोग टैग कर सकते हैं। भाई साहब हेल्थ की सर्विस बेकार हो रखी है, तो उसको आप लोग टैग कर सकते हैं। तो यानी कि ट्विटर पर जाकर आप लोग डायरेक्ट अपने जो मंत्री हैं उनसे बातें कर सकते हैं। तो ऐसी बात यहां पर बोली जा रही है, बेसिकली गवर्नेंस में सोशल मीडिया को इंक्लूड कर लिया गया लोगों तक पहुंचने के लिए, तो ये इनका फंडा है। तो ये पहला राज्य ऐसा बन गया जो कि रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर, अगर कोई यहां पर इनको आकर कुछ लिखता है। अभी यहां पर बात करें, कई सारे इशू ऐसे रहे जैसे कि हेल्थ, सोशल, इसी के साथ में सिविक इश्यूज, यानी कि जो भी सोसाइटी में जो दिक्कतें हैं उनके बारे में इनके द्वारा यूज किया जा रहा है कि ऑफिशियल को यहां पर टैग करो जो भी यहां पर उस पर्टिकुलर बेसिकली डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों की समस्या का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल तो नहीं कहते अलादीन का चिराग घिसा और जिनी आ गया और बोला कि जो हुक्म हो मेरा आका। तो यहां पर कुछ ऐसे ही चल रहा है, ट्विटर पर जाओ आप लोग, ट्विटर पर लिखो, एक तरीके से घिस दिया तुम ट्विटर जाकर आप लोगों ने, और ये बोलेगा बताइए क्या हुक्म है मेरे आका। तो यहां से आप लोगों की जो भी दिक्कतें होगी उनका निपटारा किया जाएगा, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो इसके चलते यहां पर एक क्विक जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये भी है, अगर पब्लिकली कोई आकर किसी को कुछ लिख देता है तो फिर सोशल मीडिया को उस चीज को यहां पर जो मेन मीडिया है यानी कि न्यूज़पेपर वाले यहां पर रेडियो टेलीविजन वाले ये भी उसको पकड़ लेते हैं और फिर ये भी उसको टीवी में दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो यहां पर गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है उसके ऊपर और प्रेशर बन जाता है काम करने का। तो कॉन्सेप्ट देखा जाए तो सही है, पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरा पहलू यहां पर क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आंसर लिख रहे हैं तो आप लोगों को सिक्के के दोनों पहलू पता होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए डेली दो आंसर जब आप लोगों को देता हूं तो उसमें एक आंसर तो रहता है आज का ही जो हम लोग डिस्कस करते हैं और एक आंसर रहता है पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके चलिए, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और खासकर जो आज का रहता है उसको तो मैं पूरा डिटेल आप लोगों से डिस्कस कर ही लेता हूं, और यूपीएससी का जो पुराना क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग जो है थोड़ा सा खुद से सर्च कर सकते हैं। वैसे कई सारे बच्चे बोले हैं सर खुद से सर्च नहीं हो पा रहा है, तो कुछ उसके बारे में प्रोवाइड करा दिया करो। देखिए टाइम जैसे लगता है मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिए, बस आप लोग कंटिन्यूअसली चीजों को लिखते रहिए, एक दूसरे का आंसर जो है आप लोग एनालाइज करते रहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग कंटिन्यूअसली चीजें अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और खासकर भी प्रीलिम्स पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखिए, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स अभी पास में आ रहा है तो उसको अच्छे से आप लोग करके चलिए। अभी जितना प्रोवाइड करा रहा हूं उसको आप लोग करते रहिए बस, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर, अभी देखिए इनके जो मिनिस्टर है यहां पर केटी राव, बेसिकली जिनका नाम था यहां पर केटी रमाराव, ठीक है। तो केटी रमाराव साहब जो है इंडस्ट्री और इसी के साथ में कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कई सारे हैंडल है और ये काफी एक्टिव है, जैसे @KTR, ठीक है, KTR ऑफिस, इसी के साथ में KTR TRS, तो ये इनके सोशल मीडिया हैंडल है, खासकर ट्विटर की जब बात करें तो अलग अलग, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये आज की डेट में काफी ज्यादा एक्टिव है यहां पर और कई सारे एक्शन इनके द्वारा लिए भी गए हैं। अभी यहां पर डायरेक्ट यहां पर क्या किया गया, राव साहब के द्वारा इलोन मस्क को लिख दिया, डायरेक्ट इलोन मस्क को लिख दिया कि भाई साहब इलोन आओ हमारे देश में, मतलब आओ हमारे स्टेट में और आकर यहां पर टेस्ला की यूनिट एस्टेब्लिश कर लो, ठीक है। उन्हें कहते आओ कभी गुजरात में, तो इनके द्वारा बोला गया आओ कभी तेलंगाना में और आओ यहां पर अपनी टेस्ला की जो यूनिट है वो एस्टेब्लिश कर लो। तो इसके बारे में इलोन मस्क को भी इनके द्वारा न्योता भेज दिया गया। और ये जैसे नहीं कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो यहाँ पर कई बार ऐसे हैशटैग चलाते रहते हैं कि #AskKTR, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया #AskVeer, मान लीजिए मैं बोलूं कि #AskVeer करके आप लोग सोशल मीडिया पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब भी हम लोग #hashtag लिखेंगे ना और #AskVeer लिखेंगे तो जिस किसी ने भी यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा वो सारे एक लाइन में खुल के आ जाएंगे। आप लोग याद है मैंने बोला था कि ट्विटर पर आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं #SLVArmyPlantingTree, यानी कि जब भी आप लोग पेड़ लगाओ तो आप लोग मुझे वहां पर टैग कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करो जो आप लोगों को लगता है यार आप लोगों ने कोई डिफरेंट किया तो आप लोग मुझे टैग कर सकते हो। तो जैसे ही उस हैशटैग पर मैं क्लिक करूंगा जिसने मुझे टैग किया है वो सारी चीजें एक जगह खुलकर आ जाएंगे। तो ये कनेक्ट करने का एक आसान तरीका होता है। तो ये ऑलरेडी मिनिस्टर साहब जो है इसको फॉलो यहां पर कर रहे हैं।
कई सारी बातें यहाँ पर इनके सामने निकल कर आई जब यहाँ पर बातें की गई। इनसे पूछा गया यहाँ पर बेसिकली हेल्थ के बारे में कि हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, खासकर जो बच्चे होते हैं उनको रिलेटेड हेल्थ के बारे में और भी कई सारे इश्यूज थे, तो उसका इंपैक्ट जो है इनके बजट में देखने को मिला। बजट में 11,237 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हेल्थ सेक्टर को 2022-23 के लिए और यानी कि डबल कर दिया गया अमाउंट। तो ये काफी बड़ी बात है कि हेल्थ का जो बजट है वो डबल हो गया, जरूरी भी है। और 4.3 जो यहाँ पर परसेंट बजट देखने को मिलेगा टोटल इनका। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो ऊपर हैं, जैसे केरला, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये चार राज्य ऐसे हैं जो 5% से ज्यादा यहाँ पर अपना हेल्थ का बजट रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हेल्थ की सिस्टम जो है काफी हद तक अच्छी देखने को मिलती है और आगे और भी अच्छी होगी, क्योंकि पैसा लगेगा तो वो एक तरीके से चीजों को सुधारेगा भी। पर लेकिन अभी यहाँ पर इनके द्वारा भी डबल कर दिया गया, वो खासकर COVID-19 को ध्यान में रखते हुए डबल किया, ऐसा नहीं कि ट्विटर पर जाकर लोगों ने लिख दिया इसलिए डबल कर दिया। ऐसे डबल करने लगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, पर हाँ फिर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के चलते कई सारे मेडिकल कॉलेजेस की बात की जा रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कितना अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक बात की जा रही है, टू ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ कंसर्न, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें तो हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा एक तरीके से ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसको चलते भी काफी सारी इनके द्वारा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये इनके द्वारा सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि सिचुएशन को यहाँ पर सुधारा जा सके। कुछ इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर ये, हर बार जो भी चीजें आप लोग देखते हैं वो सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती है, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बोला था। इस सिक्के का क्या पहलू है, बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर बात करें ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आप लोग बोले ना कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं, इस चांद में भी दाग होते हैं तो इसमें भी दाग होंगे भाई। तो कौन से दाग है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्विटर गवर्नेंस जो मॉडल है यहाँ पर उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मान लीजिए आप लोगों ने टैग किया, ठीक है, मंत्री साहब को, अब मंत्री साहब के पास में टाइम नहीं है चेक करने का, अब पड़ी हुई है आप लोगों की रिक्वेस्ट और हजारों रिक्वेस्ट आ रही है पूरे दिन में, ठीक है, तो कैसे पूर्ति होगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, जो फेसबुक है वहां पर लगभग 1 लाख से जो 1 लाख से ज्यादा एसएलवी फैमिली मेंबर मुझे वहां पर फॉलो कर रहे हैं। अभी कई सारे ऐसे हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब 1 लाख से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट है मेरे पास में, अब मान लीजिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर सबको अलाउ करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है 4-5 हज़ार से ज्यादा आप लोग फ्रेंड बना नहीं सकते फेसबुक पर, तो इस तरीके से समझते हैं। तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लग रहा है आप तो भाव खाने लगे हो, हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो यार ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सोचिए कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं तो वहां पर किस तरीके से उसको बेसिकली फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की जा सकती है। तो कई बार ऐसी चीज देखने को मिलते हैं, अगर एक टीम लगे प्रॉपर हैंडल करने के लिए तो समझ में आते हैं, वरना मंत्री साहब जो है करोड़ों लोग जो है उनको वहां पर टैग करेंगे तो कहां पर निकल गया उनका जो बेसिकली मैसेज वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी कि यहाँ पर देखिए उनको मंत्री बनाया गया, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर कर दी तो इशू पड़े रहेंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि उनके द्वारा काम किया गया नहीं किया गया। तो यहाँ पर अगर इतना ही अच्छे आप लोग काम कर रहे हो, कम से कम राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है हमारे देश के अंदर में उसी को ऑनलाइन कर दो। आज तक भी वो आप लोगों को ऑफलाइन चल रहे हैं, उसमें भी कोई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, प्रॉपर डेटा निकल के नहीं आता है। इवन अभी एक RTA के थ्रू पता चला है यहाँ पर कि 10,000 के करीब ऐसे हैं जिनको आंसर नहीं किया गया, RTA ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यानी कि और खासकर जहां गवर्नमेंट जो टेंडर निकालती है, जहां पर घपलेबाजी होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, वहां पर उसके बारे में कहीं पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यानी कि इतने ही दूध के धुले हो आप लोग ऑनलाइन ट्विटर पर बैठकर अगर इस तरीके की चीजों का सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो जो बेसिक चीजें पहले उनको तो सुधारो ताकि लोग जो है सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। मतलब ये तो वही होगी जो दिखाने वाली चीजें, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो यार ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, कि सोशल मीडिया का जो एक्सेस है यहाँ पर, ठीक है, तो उन्हीं को फायदा हो सकता है जो ऑलरेडी जिनके पास में मोबाइल है, इंटरनेट की फैसिलिटी है और जो पढ़े लिखे इनको यूज करना जानते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे अब तक भी ढंग से ट्विटर चलाना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ढंग से यूज ही नहीं किया है। ट्वीट कर देता हूं, एक आधा रीट्वीट कर देता हूं और बाकी जाकर देख लेता हूं अगर मुझे कोई टैग कर रहा है। टैग देखना तो मुझे अब आया कुछ दिनों पहले, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने कभी ट्विटर को यूज ही नहीं किया, तो अगर यूज नहीं करेगा तो आएगा कहां से। तो उसमें अभी मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आना स्टार्ट हो गया, टाइम जितना दिया जाएगा उतना ही समझ में आएगा। हालांकि फेसबुक में काफी दिनों से यूज कर रहा हूं तो फेसबुक पे लगभग सारी चीज जानता हूं, ठीक है, पर लेकिन ट्विटर के मामले में अभी मैं आप लोगों को ये रियलिटी बता रहा हूं। तो सोचो जो इंसान, मतलब एक टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है वो ये बातें बोल रहा है, अब सोचो एक गांव में किसान बैठा है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, अब भाई साहब को तो ट्विटर का लॉगिन भी नहीं पता, ट्विटर पे आईडी कैसे बनाते हैं और बना भी दी तो टैग कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं आता है, ठीक है, अब ये सारी आप लोग चीज समझिए। तो ये कितने हद तक आप लोग बोल रहे हैं कि ये सही चीज है। लिटरेसी रेट जो है यहाँ पर वो 72.8% है जिनको नाम लिखना और पढ़ना आता है, बाकी ट्विटर चलाना कितने को आता है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, मतलब मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूं ना,
इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि और लोग जो है जो कि यहाँ पर जिनको बेसिकली बस नाम लिखना और पढ़ना आता है नॉर्मल और एक तरीके से टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो ट्विटर कितना चलाएंगे। इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो मेन है यानी कि जो पुरुष है वो महिलाओं से डबल संख्या में बेसिकली आज के डेट में इंटरनेट यूज करते हैं, तो यानी कि महिला तो आधी पीछे यहीं पे वैसे ही छुड़ गई। अगर महिलाओं को कोई दिक्कत है बहुत सारी और ट्विटर पर जाकर तो तुमको टैग करने से रही तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी रही सही कसर जो होती है गांव और शहर वाली दिक्कत। अब गांव और शहर में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी, गांव में कई जगह इंटरनेट रो रो कर चलता है, 60% यहां पर आज के डेट में लिमिटेड ब्रॉडबैंड एक्सेस देखने को मिलेगा, उनका कैसे आप लोग जुगाड़ करोगे उसके बारे में बताइए आप लोग यहां पर। तो ट्विटर गवर्नेंस जो है वो सही है कुछ चीजों के लिए, स्टार्टिंग में आप लोग चीजों को यूज कर सकते हैं, चलिए सही है, चीजें सही चल रही हैं, पर लेकिन रेगुलर अगर मेन स्ट्रीम गवर्नेंस के बारे में आप लोग बात करेंगे तो वहां पर प्रॉपर सिस्टम को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, ये हवा हवाई बातें यहां पर नहीं चलेगी। अब ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया तेलंगाना के रेस्पॉन्स में, पर लेकिन माइंड में तेलंगाना नहीं रखना है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है यहां पर सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर को लेकर यहां पर ट्विटर गवर्नमेंस लेकर चल रही है, तो यहां पर डिजिटल मीडिया को जो डिवाइड है वो भी आप लोग पॉइंट यहां पर यूज कर सकते हैं, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों यहां पर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी आर्टिकल पढ़ाता हूं ना उसको संकुचित वे में मत देखा करो कि ऐसा तेलंगाना का आर्टिकल है तो बस तेलंगाना स्टेट का हो गया, नहीं, यहां पर तेलंगाना की जगह चेंज करके आप लोग इसमें गुजरात कर दो, उत्तर प्रदेश कर दो, बिहार कर दो, इसमें महाराष्ट्र कर दो, कुछ भी कर दो आप लोग यहां पर, तो इसके आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी आर्टिकल को उस तरीके से नहीं देखना है। जैसे अभी एक बात करें यहां पर इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं तेलंगाना में, लगभग यहां पर 64% जो बात करें इनके द्वारा तो उसमें बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी और चीजें यहां पर इनके द्वारा की जा रही है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। वुमेन सेफ्टी के बारे में ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट मी सेवा करके इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, जिसके चलते यहां पर प्रिजनर को बेसिकली ऑथेंटिक किया जाएगा ऑनलाइन। इसी के साथ में यहां पर फेशियल के बारे में बात की जा रही है, फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में, फेशियल कराने की बात नहीं कर रहा हूं, चेहरे पे फेशियल कराना, ठीक है, तो फेस को रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये थोपड़ा उसी इंसान का है किसी और का है, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तेलंगाना काफी अच्छे काम कर रहे हैं और ये सारे पॉइंट जो है आप लोग अगर लिख जाए कि डिजिटल का क्या यूज कर सकते हैं गवर्नेंस के अंदर में तो वहां पर आप लोग इनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीजें यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में। चलिए तेलंगाना के बारे में तो बात कर ली, एक न्यूज एनालिसिस का आर्टिकल भी मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूं, ये है जगन मोहन रेड्डी साहब, अगर बात करें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना की बात बता दी तो सोचा आप लोगों को आंध्र प्रदेश की बातें बता दूं। इनके द्वारा अभी 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो उसको लेकर यहां पर ये न्यूज में आ गए। तो आप लोग अगर आंध्र प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के अंदर में, और हर एक बेसिकली बच्चे को पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं अपने वाले एरिया के अंदर में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट बनाया कैसे जाता है मैं आप लोगों को बताता हूं एक बार, ताकि आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट बनाना है यहां पर तो आप लोगों को कुछ एक बार प्रॉपर प्रोविजन देखने को मिलेगा जिसके बेस पर आप लोग डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। सबसे पहला तो पावर किसके पास में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की या फिर डिस्ट्रिक्ट बनाने की, ये बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, मतलब कौन डिस्ट्रिक्ट बना सकता है और कौन डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर बेसिकली हटा सकता है फिर अबोलिश कर सकता है। तो याद रखिएगा ये पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाने में या फिर डिस्ट्रिक्ट को हटाने में कोई रोल प्ले नहीं करती है, ये बेसिकली पूरी पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गई कि हाँ उनको डिस्ट्रिक्ट बनाना है या फिर डिस्ट्रिक्ट हटाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है, डिस्ट्रिक्ट बनाना और हटाना तो सही है पर लेकिन यहां पर उनको बनाना और हटाना कैसे है ये भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कि भाई साहब हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, ये कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको असेंबली में जाकर इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। असेंबली मतलब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको आप लोग विधानसभा बोलते हैं, उसके अंदर में हमारे विधायक साहब बैठते हैं और वो बेसिकली प्रॉपर एक रिजोल्यूशन लेकर आए उसको पास करा जाए, यहां पर प्रॉपर एक कानून बनाया जाए, एक तो वो तरीका है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नॉर्मली फॉलो किया जाता है ताकि असेंबली में जाकर फालतू में माथापेची न करनी पड़े, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे स्टेट जो है यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव जो रूट है नॉर्मली अगर बात करें उसको रेफर करते हैं पर लेकिन मैक्सिमम जो है वो बाईपास कर देते हैं कई बार और ऑफिशियल गजट में यहाँ पर फिर नोटिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाने की पावर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर बात करूं सेंसस 2011 के हिसाब से हमारे देश में 593 यानी कि 593 डिस्ट्रिक्ट थे कंट्री के अंदर में, ठीक है। अभी और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट यहां पर बढ़ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो लगभग आज के डेट में 718 के करीब डिस्ट्रिक्ट है। अभी और नए डिस्ट्रिक्ट अगर निकल कर आते हैं आंध्र प्रदेश से तो और नए ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर लेटेस्ट यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। आप लोग बताइए डेटा को यहाँ पर इसमें कोई चेंज है क्या, जाकर एक बार चेक कर लेना आप लोग इसमें कि यहाँ पर डेटा में कोई चेंज है क्या। अपने राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को जरूर बताना है, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है।
तो डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो प्रोसीजर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत जो है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली एक आर्टिकल था जो काफी इंटरेस्टिंग था, इसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगा जिसको जानने के बाद में आप लोग के चक्षु खुलेंगे, और इसको आप लोग जीएस पेपर 3 के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोविड 19 में इससे ज्यादा न्यूज में शायद कोई चीज रही होगी। माइग्रेंट जो वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है, उनके सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। माइग्रेंट वर्कर के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है, तो समझने की कोशिश करेंगे काफी लार्ज स्केल पर। सबसे पहले तो शब्द माइग्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो माइग्रेंट वर्कर होता है उसका मतलब क्या है। एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपने एरिया को छोड़कर, अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं चला गया, उसको नॉर्मली माइग्रेंट बोल देते हैं। कोई तो काम की वजह से चला जाता है, कोई पढ़ाई की वजह से चला जाता है। नॉर्मली यहां पर काम और पढ़ाई दो सबसे बड़े रीजन है जिसमें लोग जो है वो अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर परमानेंटली नहीं जाते हैं, इनका मतलब ये कि पंछी जो है वो वापस लौटकर अपने घर को जरूर आएगा, तो ऐसा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में ये याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से यहां पर डायरेक्ट जो चीजें हैं बेसिकली माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग ILO बोलते हो, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, 2014 में इनके द्वारा डेटा निकाला गया और बोला गया 232 मिलियन लोग जो है वो आज के डेट में एज ए माइग्रेंट वर्कर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि इतने सारे लोग जो है आज के डेट में इंटरनेशनल माइग्रेंट आप लोगों को वर्ल्ड वाइड यहां पर नजर आ जाएंगे, जो कि अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में एटलीस्ट 12 महीने रहते हैं। तो यहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया, ये वही ILO है, जब मैंने आप लोगों को बोला था यूके पीसीएस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, और ये वही ILO है जो 1919 में क्रिएट किया गया था, और 2019 में इसको 100 साल पूरे हो गए थे, मैंने हजारों बार आप लोगों को बताया। जनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर बेसिकली ये जो पेरिस पीस जो कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू यहां पर उसको फाउंड किया गया था, और यूनाइटेड नेशन इसके पापा हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसके आज के में हेड कौन है यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ILO के बारे में, तो एक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आप लोग यहां पर कवर करा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अभी सेंसस के हिसाब से माने 2011 के, तो हमारे देश में लगभग 45 जो करोड़ के करीब आप लोगों को माइग्रेंट लोग देखने को मिलेंगे। अब यहां से यूपीएससी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन निकाल सकती है आसानी से, आप लोग बोलोगे कैसे बन गया ये क्वेश्चन, तो यहां से आप लोग समझिए। अब वो आप लोग स्टेटमेंट देंगे कि यहां पर अगर बोल देंगे कि जैसे कि आज की डेट में जो माइग्रेंट वर्कर है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितने माइग्रेंट वर्कर जो थे वो 2001 में थे, तो ऐसा डेटा नॉर्मली यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट दे देती है आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि माइग्रेंट वाला इशू काफी ज्यादा न्यूज में। तो फिलहाल माइग्रेंट वर्कर ज्यादा बढ़ गए, 45.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 38% लोग जो है वो माइग्रेंट वर्कर है। ठीक है, जबकि यहां पर अगर बात करें माइग्रेंट पॉपुलेशन के बारे में 2011 में 31% था, यानी कि अभी जो है पॉपुलेशन जो है माइग्रेंट उनकी बढ़ गई है यहां पर, तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग माइग्रेट करते हैं, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। अगर बात करें वर्क को सर्च करते हुए कितने सारे लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, दमन दीव में, मुंबई में, ये बेसिकली मुंबई जो सबर्बन वाला एरिया हो गया, तो यहां पर ये कुछ एरिया दिखा रखा है। ठीक है, कि कितने लोग जो है सर्च में यहां पर आते हैं बेसिकली काम को लेकर, तो ये तो चलिए सही है, ये डेटा आप लोग इतना रटना नहीं इसके बारे में, पर एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो डायरेक्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं वो जरूर याद रखिएगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 जो है ना यहाँ पर इसी के बारे में बात करते हैं कि राइट, आप लोग कहीं पर भी जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को राइट टू ऑल द सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोग कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 आप लोगों को अधिकार देता है। तो अगर हमारे देश का कोई माइग्रेंट वर्कर कहीं पर जा रहा है तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो आर्टिकल 19 है यहां पर वो बेसिकली बात करते हैं यहां पर 6 फ्रीडम के बारे में, और उसमें से एक फ्रीडम है आप लोगों की प्रोफेशन, आप लोग कहीं पर भी जाकर अपने देश के अंदर में व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं और मूव कर सकते हैं, कोई आप लोगों को यहां पर नहीं रोकेगा, ये आप लोगों का अधिकार है। तो ये ऑलरेडी हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है ताकि हम लोग अपने देश को इंटीग्रेट करके रख सके, तो ये बातें यहां पर की गई है, तो इसलिए यहां पर ये पॉइंट अगर आप लोग मेंशन वहां पर कर देते हैं लिखने के लिए आते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आप लोग डाल देते हैं तो आप लोग का आंसर जो है वो एक उम्दा किस्म का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर माइग्रेशन के बारे में, तो एक तो होता है लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। ठीक है, तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म होता है इंडिविजुअल जो है हाउस, एक तरीके से रिजल्टिंग इन रीलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं यहाँ पर एक तरीके से
कि एक फोर्थ मूवमेंट हो रहा है सोर्स डेस्टिनेशन के लिए, शॉर्ट टेम्पररी पीरियड के लिए हो रहा है। यहां पर चलिए एक बार को इसको आप लोग इसे समझ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कहां कहां से यहां पर लोग निकल कर जाते हैं और कहां कहां पर जाते हैं। तो सोर्स यानी कि निकल के कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश हमारी कंट्री में मिनी इंडिया बोला जाता है, तो सबसे ज्यादा लोग यहां से निकल कर आते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, भाई साहब यहां से आ गया। अगर थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। अगर बात करते हैं आगे डेस्टिनेशन स्टेट के बारे में, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, ये है जहां पर लोग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि यहां पर आते हैं, यहां से आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात अगर आप लोगों से यहां पर भी कुछ डिफरेंस में आप लोगों को बताऊं, मेल और फीमेल माइग्रेशन के बारे में अगर बात की जाए, मेल माइग्रेशन मैक्सिमम आप लोगों तो पढ़ाई के लिए जाएगा या फिर इंप्लॉयमेंट यानी कि जॉब के लिए जाएगा, काम के लिए जाएगा। पर लेकिन फीमेल माइग्रेशन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है शादी की वजह से, यानी कि मेल जो जा रहा है उसके साथ में फीमेल की शादी होगी तो उसके चलते उसको वहां से माइग्रेट करना पड़ता है, यानी कि उनका अस्तित्व जो होता है वो मेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। या फिर गांव से शहर में माइग्रेट होगी फीमेल, परिवार रह रहा है, शादी वादी, वो सब चक्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत कम फीमेल ऐसे जो कि इंप्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट होती है, क्योंकि घर वाले ज्यादा दूर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। और एजुकेशन की वजह से भी कोई ज्यादा नहीं है, उसमें भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं पूरी सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर एक राज्य या फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं यहां पर। कभी आप लोग बोलने लगो सर हमारे एरिया में तो ये चीजें, हाँ आपके में अच्छी हो सकती है, पर लेकिन होल इंडिया को आप लोगों को देखना है, ठीक है, कंप्लीट देश के अंदर में क्या चल रहा है। इंप्लॉई अगर बात करें, सेक्टर में अगर बात करें, जैसे कि कहां पर ज्यादा जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो गया, कहीं बांध बन रहा है, कहीं रोड बन रही है, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क के लिए कई बार आप लोगों के घर में झाड़ू पोछे लगाने वाले वर्कर्स, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसी के साथ में जो है भट्टा बनाने वाला जो है बेसिकली ब्रिक नेल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, माइनिंग में जाते हैं, एग्रीकल्चर में काफी सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा, जिससे मैं अपने एरिया बताऊं, आज के में हमारे एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेपाली भी आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। नेपाल से आते हैं बहुत सारे, वेस्ट बंगाल की साइड से बहुत सारे आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। गन्ने की खेती होती है ना, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे काम करने के लिए आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर अभी जब COVID-19 की वजह से लॉकडाउन लगे तो बस पूरी की गई थी, ताकि जितने भी हमारे गांव से थे जो बाहर के आए हुए थे काम करने के लिए, उनको वापस भेजा जा सके। तो पूरी एक बस इकट्ठा करके यहाँ पर सबने उसके लिए अरेंजमेंट की थी। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। तो माइग्रेशन का इशू जो है वो एक आसान इशू नहीं, यहाँ पर ये काफी ज्यादा एक तगड़ा इशू देखने को मिलता है, जिसके बारे में बात की जाती है। अभी रिसेंटली न्यूज में किस लिए भी था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पर यार इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होता है उसके ऊपर आप लोगों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, खासकर दो राज्यों को मिलकर, ताकि यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिले, और सेंटर को भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि कोई इशू यहाँ पर निकल कर ना आए। क्योंकि COVID-19 के चलते जो चीजें निकल कर आई उसने सबको जो है हैरान करके रख दिया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ इशू देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी। कई बार क्या रहता है यहाँ पर, अगर कोई वर्कर जा रहा है उसको वहां पर रजिस्टर नहीं किया जाता किसी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में कई बार यहाँ पर देखने को मिलेगा उसको प्रॉपर रहने की जगह नहीं दी जा रही है, उससे ज्यादा काम कराया जा रहा है, ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आती है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करती भी नहीं है, गवर्नमेंट अपने लेवल पर कई सारे अच्छे स्टेप भी उठाती है। जैसे कि अगर मैं आप लोग यहाँ पर बताऊंगा, अभी ई श्रम पोर्टल के बारे में आप लोगों को पूरा एक डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इंप्लीमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था ई श्रम पोर्टल, क्योंकि मैक्सिमम जो भी माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। तो जहां पर कोई देखता नहीं, से एग्रीकल्चर सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कौन जाकर चेक करे किसी खेतों में कौन काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका ऐसा तो नहीं इंश्योरेंस दे दिया तुम हमारे खेतों में काम करने के लिए आयो, मतलब हमारे खेतों में गन्ना निकालने के लिए कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग उनको ये थोड़ा ना कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आओ डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं पहले और हमारे खेतों में से गन्ना निकालोगे तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं करता है यहाँ पर। और जहां पर खेतों में काम करने आते हैं जिनके वहां पर, वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े साहूकार हैं वहां पर, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आज के डेट में प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो ये कैसे प्रोवाइड करा लेंगे किसान है, ठीक है। उनके ऊपर वैसे ही कई बार मार पड़ जाती है, मौसम खराब नहीं है, एक मौसम खराब हो गया मतलब खेती बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, तो वो सारे इश्यूज ऑलरेडी देखने को मिलते हैं, टिड्डी का अटैक हो गया कहीं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ई श्रम पोर्टल के हिसाब से अगर बात करें, 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर है हमारे देश में, जो कंस्ट्रक्शन, माइग्रेशन, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक या ये सारी चीजें आप लोग काम करते हुए नजर आते हैं। तो जब यहाँ पर कोई माइग्रेंट वर्कर होता है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला इंसान होता है, तो वो इंसान तो इसको काम प्रोवाइड करा नहीं पाएगा यहाँ पर, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जिसके यहाँ पर ये काम करने वाले, आप लोग घरों में कोई काम करने आ रहे हैं, ठीक है। अब कोई ठीक ठाक ज्यादा अच्छा कमा रहा है तो यहाँ पर वो हो सकता है कि बोले कि चलो तेरा इंश्योरेंस करा देते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। बाकी बात करें, 12 डिजिट का यूनिक नंबर यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ई श्रम कार्ड के नाम से निकाला गया है,
जिसमें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर अगर कोई कराता है तो कल को चलकर अगर कोई यहाँ पर किसी तरीके का एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ होती है, फिर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, काम करने लायक नहीं बचता है, तो 2 लाख रुपए का सपोर्ट मिलेगा। और अगर यहाँ पर पार्शियली डिसेबल होता है, हाथ पैर टूट गया कुछ, तो 1 लाख रुपए का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये माइग्रेंट वर्कर को भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो सबसे ज्यादा न्यूज में था वो था वन नेशन वन राशन कार्ड। यानी कि अगर कहीं आप लोग जाते हैं तो राशन कार्ड आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देश के अंदर कहीं पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि माइग्रेंट वर्कर के लिए काफी ज्यादा जरूरी था कि यहाँ पर ये सिस्टम उनको देखने को मिल सके। तो इसमें यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर चेंज किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ में। हम लोगों ने बातें की थी इससे वन नेशन वन फास्टैग, वन नेशन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड एंड कॉमर्स को ध्यान में रखते बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। तो अभी यहाँ पर यह था कि आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, राशन कार्ड आप लोगों का बिहार का है, आप लोग महाराष्ट्र में भी जाकर राशन ले सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया ताकि माइग्रेंट वर्कर भूखे ना सोए। तो काफी अच्छा प्रोविजन लगा मुझे पर्सनली, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पूरा आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को इसको लेकर बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर की गई है। बात करें अगर यहां पर बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहां पर एक आर्टिकल है जो कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। देखिए आज फिर इसको रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, कल ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। कल का आर्टिकल आप लोग देख लेना कहां कहां पर ये अभी लगा हुआ है, क्योंकि अभी होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि पार्शली कुछ एरिया में से यहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर हटाया जाएगा, जैसे कि आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो उसमें यहां पर उसको 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट कर दिया गया। पर लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसको पूरा हटाओ, ठीक है, ये बातें चल रही है। क्योंकि यहां पर कई सारे सेक्शन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को याद होगा, जिसमें सेक्शन जो है यहां पर आप लोग सेक्शन 3 यूज कर सकते हैं डिस्टर्ब एरिया में इसको लगाने के लिए, वो सारी बातें मैंने वहां पर डिस्कस रखी है। यहां पर फिर से अगर वो सारी चीजें मैं रिपीट करूंगा तो उसको कोई मतलब बैठ नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कल का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है, कल में मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया था जिसमें सारे एक एक पॉइंट आप लोगों का यहां पर क्रिस्टल क्लियर किया था मैंने। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में उसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, इतना कर लो यार, क्योंकि फिर वीडियो फिर लेंथी हो जाती है, और ऐसा भी नहीं काफी पुराना हो रखा है कि यहाँ पर रिपीट कर दूं मैं उसको। तो हल्का सा इतना सपोर्ट कम से कम आप लोग कर सकते हो जिससे कि यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा एक सहूलियत बनी रहे, ठीक है। और कोई भी आर्टिकल छूटता है उसकी टेंशन मत लिया करो, संडे में जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैंने आर्टिकल कवर किया है, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल बचता है उसको संडे में हम लोग देख लिया करेंगे। आप लोग बस रेगुलर लेक्चर आप लोग मत छोड़िए, तो बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर बता दूं, आज इंग्लिश के बारे में भी आप लोग का एक बेसिकली एक जैसे नहीं मैं इंग्लिश का लेसन आप लोग का डालता हूँ जो टेलीग्राम के ऊपर, जो है सेशन नंबर 5 में यहाँ पर डालूंगा इंप्रूव योर इंग्लिश। तो सेशन नंबर 4 आप लोगों का हो चुका है, आज सेशन नंबर 5 में डालूंगा कि इंग्लिश में बात कैसे करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, तो इसके साथ बातों को स्टार्ट कैसे करना है वो पूरा एक बोल के दिखाया जाता है, वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो आज फिर आया हुआ है तो मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा, कोशिश करना कि एक दूसरे के साथ में बातें कर सको आप लोग यहाँ पर और चीजों को आप लोग समझ सको, इससे क्या होगा आप लोग ढंग से चीजों को लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेशन नंबर 5 होगा, जिसने पुराने नहीं देखे हैं तो हैशटैग सेशन नंबर 1, 2, 3 करके आप लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली कुछ बातें जो कि आप लोग जरूर देखा कीजिए, यहाँ पर कनेक्ट रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यार चीजें अगर मिल रही है तो उनका फायदा क्यों उठा रहे हो। सेम ऐसे यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में रेगुलरली आप लोग क्विज आते हैं यहाँ पर, जिसको द डेली क्विज बोलते हैं यहाँ पर, ये इसमें 9 क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन सारे जो है वो ग्रैमी अवार्ड के बारे में। सबसे पहले तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में याद रखिएगा, म्यूजिक की म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर में यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट ओनर है, यानी कि एक तरीके से म्यूजिक का आप लोग इसको नोबेल प्राइज बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिकली 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, और इसी के साथ में जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी आप लोग यहाँ पर पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर ये पिक्चर में बेसिकली कौन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी भी थी, तो इसके बारे में भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर बेसिकली नंबर इन यहाँ पर न्यूज इन नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जिससे मुझे काफी आश्चर्य हुआ मैंने जाना जब यहाँ पर, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। ट्विटर में जो ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है ना उसमें इलोन मस्क के 9.2% शेयर है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मुझे ये तो पता था कुछ शेयर मुझे लगा 1-2% हो गए, बंदा जो 9.2% इन परसेंट अगर बात करें ट्विटर में स्टेक है इलोन मस्क के, तो इलोन मस्क जो है ट्विटर का मालिक आधा ही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, एक मतलब एक डिफरेंट सी न्यूज लगी मुझे यहाँ पर ये, ठीक है। इसी के साथ में जो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर बातें की नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में, तो यहाँ पर नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं 13, तो उसके बारे में बात की जा रही है कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया दिया। डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके साथ में मैच करने की बात की जा रही है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ में अगर मैच करते हैं तो इससे आसानी रहती है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट अलग है मेरी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है कई बार। ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का होगा वहीं से ही आप लोग बेसिकली वोट भी डालोगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है कि आप लोगों की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी और आप लोग का डिस्ट्रिक्ट एक ही है, आप लोग जाकर उसको चेक करिएगा।
एथलेटिक्स जो है उनके लिए यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ट्रिप फंड अगर यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो उसके चलते बातें की जा रही है, ठीक है। तुर्की में यहाँ पर अभी बात करें, यहाँ पर ये आज के दिन में अगर बात करें, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तुर्की के अंदर भी कई सारे इशू देखने को मिल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन वो आप लोग सारी चीज समझ सकते हैं। तो सिंसेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि सारी इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया करो ताकि आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में इसको लेकर, अगर डाउट होगा तो बताया करो, उसको दूर करेंगे फिर, ठीक है। आज प्रीलिम्स फोकस में कई सारे आर्टिकल है, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में दो तीन जगह मेंशन है, तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये नॉर्मल है, इनको तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, जो भी होगा देख लेंगे। और सेम हालत श्रीलंका की है, तो हमारे दोनों पड़ोसी देश जो है उनकी खस्ता हालत हो रखी है। श्रीलंका में कोविड-19 ने कमर तोड़ दी और आजकल में बेसिकली इन्फ्लेशन का और दुनिया भर की चीजों का शिकार बना हुआ है, तो सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो ये रेगुलर के इशू होते हैं, रेगुलर इनमें मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो और कहानी खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट बनेगी तो जानेंगे किसकी बन रही है, फिर देख लेंगे किसकी बन गई है। तो डेली इशू को बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना है। बात करते हैं यहाँ पर आईपीसीसी के बारे में बात की जा रही है, तो एनर्जी सेक्टर में आईपीसीसी बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उसको नीड है रिवैम्प करने की। मान लीजिए आप लोग यूज करें कोयला, तो सोलर पैनल वगैरह यूज करना स्टार्ट कर दें, तो इस तरीके की बात यहाँ पर बोली जा रही है। आईपीसीसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, डिटेल में बात कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों के माइंड की सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, और इससे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है और जो इशू देखने को मिल रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात की जा रही है बेसिकली आईपीसीसी के बारे में, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये पर्टिकुलर हमारी कंट्री से रिलेटेड अभी यहां पर बातें करेंगे कि इंडिया को जो वार्निंग अभी यहां पर दी गई है आईपीसीसी के द्वारा, तो इंडिया को भी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमको वार्निंग नहीं मिली है, वार्निंग तो सबको मिली है, तो फोकस देकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहां पर ये पांच प्रिंसिपल बताना चाहूंगा, जो कि आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इनको लेकर। ये है बेसिकली हमारे द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो पार्टिसिपेट किया गया, वहां पर हमारे देश के द्वारा यहां पर ये टारगेट रखे गए कि 2070 तक हम लोगों को क्या करने है, नेट जीरो एमिशन होना चाहिए। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे, नेट जीरो का मतलब ये कि जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम लोग बेसिकली एक तरीके से सब्ज्यूम कर लेंगे, ये है बेसिकली, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा 2070 तक का है। इसी के साथ में टोटल अगर बात करें कार्बन एमिशन जो है वो हम लोग यहाँ पर आज की डेट में उसको बेसिकली 2030 तक का यहाँ पर एक तरीके से 1 बिलियन टन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 50% जो हमारी कंट्री में एनर्जी है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, इनके जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उनका यूज करेंगे, तो ये भी टारगेट रखा गया। तो ये पांच कसमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा खाई गई, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती इनको खुवाई गई, तो ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर जो रिड्यूस किया जाने की बात की जा रही है कार्बन इंटेंसिटी, तो 45% यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक का। और यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 450 गीगावाट थी पहले 2030 तक का, अब इसको बढ़ाकर 500 गीगावाट यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है, 2030 तक का। तो ये भी पांच जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो काफी बेसिक सी चीजें हैं, आंसर राइटिंग भी अगर कहीं करना हो या फिर प्रीलिम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग का बन रहा हो तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो थी वो ग्लासगो में हुई थी, तो वहां से सारी चीजें निकल कर आए, ठीक है। अगर बात करें अभी ग्लोबल जो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, टर्मोइल होता है बहुत ही एक तरीके से, यानी कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जहां पर सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी जगह यहां पर खड़े हुए हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई, और बोला गया कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम मतलब एक तरीके का संघ होता है साइंटिस्ट का, कंसोर्टियम शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो कंसोर्टियम बोल देते हैं बेसिकली। तो साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, वो एनालाइज करते हैं कि प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, और कैसे इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है, वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम पर अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन सकती है अगर नेक्स्ट डेकेड मतलब एक दशक के अंदर, अगर आने वाले टाइम में, तो यहां पर नेक्स्ट 2 डेकेड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यहां पर बढ़ गया तो ये इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब इसको हम लोग बैक नहीं कर सकते, जो सिचुएशन खराब होगी तो होगी। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं एक इंसान है, उसने अपनी बॉडी बर्बाद कर लिया, अपनी बॉडी पर दुनिया भर का वेट पुट ऑन कर लिया, अब वो पतला ही नहीं हो सकता क्योंकि उसके बस की बात नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन यहां पर होगी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर बात करें वेदर और क्लाइमेट के बारे में, हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेहनत करेगा तो इंसान जो है आराम से अपनी जो बॉडी का वेट कम कर सकता है, इसको आप लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करें ना इंसान, हल्का हल्का सा भी अगर डेली करें एक एक स्टेप, ठीक है, तो चीजें कवर हो जाती हैं। पर लेकिन वही है कि आदतें जो हैं वो अक्सर इंसान को हरा देती हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, मॉर्निंग में डेली हराती है इंसान को, उठने का मन करता है जल्दी पर लेकिन उठ नहीं पाता है, ठीक है। तो डेली एक बार तो मॉर्निंग में आप लोग हार जाते हैं अपने आप से, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने आपको टाइम पर एक शेड्यूल में लेकर चलो, डिसिप्लिन अगर जिंदगी में आ गया ना तो आधी जिंदगी आप लोग की वैसे ही सुधर जाएगी, ठीक है।
तो वेदर और क्लाइमेट अगर यहां पर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए तो इरिवर्सिबल हो जाएगा और यहां पर हम लोग उसको सही भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुई नवंबर के महीने में, तो यहां पर कई सारी बातें बताएगी, पर लेकिन हम लोग को प्रॉपर हमें चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग आज के डेट में भी जिस तरीके से हम लोगों ने कसम खाए ना कि यहां पर ये चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे 2070 तक का, चाइना के द्वारा 2060 तक का, यूएसए के द्वारा 2050 तक का, सऊदी अरेबिया के द्वारा 2060 तक का, ये सारी चीजें भी अगर इंप्लीमेंट करें तो भी हम लोग चीजों को प्रॉपर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और फिलहाल यहां पर एक काफी बड़ी बात बोली जा रही है जो कि एम्फेसिस किया जा रहा है एक रिपोर्ट के बारे में जिसको बोला जा रहा है वेट बल्ब। ठीक है, तो ये एक वेट बल्ब टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर और एक इंडेक्स है जो कि इंपैक्ट डालेगा हीट और ह्यूमिडिटी, जिनको कंबाइन कर दिया जाता है जब दोनों को, हीट और ह्यूमिडिटी को, तो हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये बेसिकली यहां पर ये बताते हैं, बोलते हैं कि अगर यहां पर ये चीजें बढ़ती रही तो बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एक देखा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने नॉर्मली गांव में देखा है जब जो पानी का जो घड़ा होता है उसके अंदर पानी भरा जाता है तो गर्मियों में उसको रख देते हैं और वो ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से चीजें इवेपोरेट होती रहती हैं। ऐसी हमारी बॉडी होती है, उसके जब गर्म होती है वो बहुत ज्यादा, तो इवेपोरेशन स्टार्ट कर देती है, पसीना निकालना स्टार्ट कर देती है, और उस पसीने के निकलने से हमारी बॉडी जो होती है वो ठंडी हो जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ये बोला था कि गर्मियों में सूती के सफेद कपड़े आप लोग पहना कीजिए, उससे क्या रहता है सफेद जो लाइट जो सफेद कलर रहता है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो हीट कम रहती है और शरीर जो है वो ठंडा रहता है सूती कपड़ा पर। लेकिन अगर आप लोग ब्लैक पहन लोगे तो आप लोग की जो बॉडी है वो ब्लैक होल बन जाएगी, यानी कि इतना ज्यादा गर्मी आप लोगों को लगेगी कि आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं चिरमिराट बॉडी में नहीं चिरमिराट उठ गया बॉडी में, तो वाली चीजें। और इतना लार्ज स्केल पर हो सकता है कि हीट स्ट्रोक आ सकता है, एक तरीके से हीट एक तरीके से एग्जॉशन हो सकता है, और यहां पर कई बार काफी लार्ज रेसेस भी आप लोगों की बॉडी पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है बेसिकली बोला जा रहा है कि वेट बल्ब जो टेम्परेचर है यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब हीट और ह्यूमिडिटी जो है वो एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ह्यूमन की हेल्थ पर इंपैक्ट डालने लगे, जो टॉलरेट ना कर पाए उतना हाई टेम्परेचर लगने लगे। तो वेट बल्ब जो है यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जब बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी एक तरीके से जब एक लॉन्ग टाइम से जब बॉडी वेट यानी स्वेट प्रोड्यूस करती है यानी कि हमारा पसीना बॉडी में से निकलता है तो वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो इवेपोरेट होने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है, पर लेकिन जब बॉडी की ये क्षमता जो है उसका इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाए कि यहां पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोग यहां पर ये चीजें जो है वो कर ही नहीं पा रहे, जैसे मैंने घड़े का बात बोली, पता चला घड़े ने पानी ठंडा करना कम कर दिया तो बॉडी जो है वो फट जाएगी भाई साहब, गर्मी की वजह से इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है, इंसान की डेथ हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन हो सकती है अगर यही माहौल यहां पर बना रहा, और इसी को यहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली बोला गया। तो इसके चलते हम लोग को थोड़ा चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लखनऊ में, पटना में, इसी के साथ में भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, तो ये वो एरिया है जहां पर ऐसी कंडीशन आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफी ह्यूज यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है, तो एक रिस्क क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से सिचुएशन आगे और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो सकती है, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। ग्लोबल सी लेवल जो है बोला जा रहा है 44 सेंटीमीटर से लेकर 76 सेंटीमीटर तक यहां पर आप लोगों को इस सेंचुरी में बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यहां पर आने वाले टाइम में 5 मीटर तक बोला जा रहा है यहां पर 2150 तक का, जो कि ये काफी बुरी कंडीशन यहां पर हो सकती है। और इसके चलते 35 मिलियन जो लोग आज के में आसपास वाले एरिया में बाढ़ की वजह से, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से रिस्क में पड़ सकते हैं, 40-45 से लेकर 50 मिलियन तक जो यहां पर एंड ऑफ द सेंचुरी उनको ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इंडिया का आप लोगों को पता है, अपने देश को समझोगे तो हमारा देश भी कोस्टल एरिया है काफी बड़ा, लगभग 7,500 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री, 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल एरिया है, तो ये अगर ये 2 मीटर टेम्परेचर पानी बढ़ गया तो हमारा जो एरिया है वो भी डूबता हुआ नजर आएगा, तो कैसे हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, तो ये थोड़ा समझने वाला मुद्दा होगा, यानी कि आने वाले टाइम में आसान हमारे लिए भी नहीं होंगी चीजें, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, स्क्रीन को रोककर एक बार थोड़ा देख लेना, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में कौन कौन सी कहां कहां पर देखने को मिली, और इंडिया के अंदर देखने को मिली थी 2002 में जो कि 8वें नंबर की थी, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, और बाकी ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो ये याद रखिएगा यहां पर ये रिपोर्ट है इसके द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है, अब तक प्रस्तुत की जा चुकी है, पहली 1990 में और अभी फिलहाल 2022 में, और कुछ स्पेशल रिपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो यहां से भी आप लोगों के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रहेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। और बाकी अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ये 3 पार्ट में प्रस्तुत की गई, जिनको वर्किंग ग्रुप फर्स्ट बोला गया, वर्किंग ग्रुप सेकंड और वर्किंग ग्रुप थर्ड। कौन सी रिपोर्ट, जो कि यहां पर 6th रिपोर्ट थी यहां पर ये 2022 में, तो आईपीसीसी के द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत की जा रही है। तो इसमें ये सारे मुद्दे हैं कि कैसे डील करना है क्लाइमेट के साथ में, कैसे चीजों को लेकर चलना है और कैसे कंबैट करना है, तो ये सारे मुद्दे यहां पर इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बैकग्राउंड की जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है,
ये वाली न्यूज मैंने आप लोग ही कवर कर ही लिया है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां से निकाला गया है ये न्यूज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके बारे में आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, काफी अच्छे से हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया है कि एक बात है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। पहले यहां पर अगर बात करें बेसिकली 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आज के में पोल्यूशन का शिकार है, WHO यहां पर बोल रहा है, और यहां पर ईरान जो है वो ब्लेम कर रहा है यूएसए को, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अरे हाँ, एक छोटा सा आर्टिकल आप लोगों का और है यहां पर, जो कोवैक्सीन के बारे में था बेसिकली, उस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। कोवैक्सीन के बारे में आप लोगों ने पता है हमारे देश में जो कोवैक्सीन की दवाई है कईयों ने आप लोगों ने ली होगी, आप लोगों ने कोविशील्ड लिया फिर कोवैक्सीन लिया, पहले आप लोग ये बताइए। जिसने कोवैक्सीन लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हालांकि उसमें अभी यहां पर WHO के द्वारा क्या किया गया, कोवैक्सीन को यहां पर अलाउ करने से मना कर दिया। WHO का मानना यह है कि उसके द्वारा प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर पैटर्न फॉलो करने थे अपनी दवाई को लेकर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया भारत बायोटेक के द्वारा, तो उसके चलते उसके ऊपर जो है थोड़ी सी रोक लगा दी है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने से मना कर दिया गया यहां पर, तो ये यहां पर अभी इशू देखने को मिला, तो पूरा एक पैटर्न है उसकी वजह से यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में अभी इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का भी। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अवैध दवाई के, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग कर क्या रहे हैं वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, तो उसके चलते कई बार यहां पर ये न्यूज में आ जाता है, तो माइंड में आप लोग इसको रख सकते हैं। यही बेसिकली बातें की गई थी WHO के बारे में, कुछ बातें थी वहां पर। ठीक है, कि यहां पर गलत बात है, हमारी कंट्री में अप्रूवल दे दिया और ढंग से उसको बनाया नहीं जा रहा है दवाई को, तो कई सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा यहां पर, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में क्या क्या दिक्कत है, पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गया द कश्मीर मूवी फाइल की वजह से। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर एक स्कीम भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो स्कीम भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी, यानी कि एक स्कीम भी मैं आप लोग यहां पर कवर करा दूंगा, कहने का मतलब यहां पर यह, ताकि आप लोगों का रिविजन भी थोड़ा सा हो जाए, एक पूरा आर्टिकल रहेगा एक स्कीम के बारे में, और वो स्कीम भी रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो इस तरीके से पूरी एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर है कि डिटेल में मैं कवर करूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से। तो आर्टिकल है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में और फिर आगे। ठीक है, जिसके बारे में जानकर आप लोगों को कई सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होगी, और हो सकता है कि आप लोगों के एरिया में भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वो भी आप लोगों के माइंड में चीजों को क्लैरिटी लेकर आएगा। समझ लेते हैं एक एक पॉइंट। अभी ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट की गई, तो उसके चलते कई सारे एरिया में जो नंबर ऑफ सीट है, यानी कि जो यहां पर अब विधायक चुनकर आएंगे जिनको आप लोग MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको अभी यहां पर एक नए पैटर्न में आप लोग यहां पर पाएंगे। तो उसी के चलते यहां पर क्या क्या किस किस एरिया में क्या क्या सीट दी गई है और ये आर्टिकल क्यों न्यूज में है वो हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में न्यूज एनालिसिस का भी आप लोगों को यहां पर एक आर्टिकल कवर हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को याद रखना चाहिए, उसको भी यहां पर कवर करता हुआ चलूंगा। एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर बात करें, बात की जा रही है यहां पर अभी हुआ क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके बारे में आप लोग एक बार बेसिकली आप लोग यहां पर बताऊंगा। आप लोग पहले यहां पर यह समझिए अभी मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है। मुद्दा ये देखने को मिल रहा है यहां पर पहले जो सीट थी अगर बात करें किसके अंदर, ये 6 एडिशनल सीट कर दी गई है जम्मू वाले रीजन के अंदर में। तो अभी हमारे देश में यहां पर एक स्टेट था जम्मू, जिसको कट कर जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर जान पाएंगे, जैसे कि यहां पर पहले जम्मू के अंदर कितनी थी, 37 सीट थी, अभी यहां पर 43 सीट कर दी गई है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे वैली वाले रीजन में, 46 सीट थी, यहां पर बढ़ाकर इसको 47 सीट कर दी गई है, एडिशनल यहां पर सीट इसके लिए दी गई है। तो ये जो एडिशनल सीट दी गई है इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। यहां पर जो लोकल जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पॉपुलेशन के बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड करते हैं, तो यहां पर ये बोला गया कि उसके अलावा भी कई सारी चीजों को चेक किया गया है, ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेस पर चेक नहीं की गई है, तो इसके चलते यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात करें डिलिमिटेशन कमीशन में ऐसा लिखा हुआ है कि यह नहीं जरूरी कि आप लोग पॉपुलेशन के बेस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी आप लोग करो, पर लेकिन कई और सारे फैक्टर भी आप लोग यहां पर काउंट कर चल सकते हो, तो ऐसी बातें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। तो यानी कि काम तो किया जा रहा है, पर लेकिन ये लग रहा है उनको यहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर आज के में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको ये सही नहीं लग रहा है। तो यहां पर जो अभी डिवीजन किया गया यहां पर उसके कंपेयर में अगर अभी आप लोग देखोगे प्रेजेंट एक यूनिक शिफ्ट यहां पर पॉलिटिकल चीजों में देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर पॉलिटिशियन को लग रहा है कि जिस तरीके का उनका दबदबा रहता था लोकल टाइम पे पहले, अब वो दबदबा उनको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से यहां पर ये आप लोगों को यहां पर न्यूज में नजर आएगा।
जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी फिलहाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिला 2019 में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो तब से लेकर यहाँ पर ये प्रोसीजर था कि यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराओ। कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं हालांकि यहाँ पर इसको फिर से आप लोग एक नया स्टेट बनाओ, पर लेकिन यहाँ पर अभी स्टेट नहीं, ये एक यूनियन टेरिटरी के तरीके से काम कर रहे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे देश में लाया गया 2019 का, जो कि पार्ट 4 के तहत यहाँ पर ये पूरा पैटर्न इसका देखने को मिला कि किस तरीके से आप लोग चीजों को आगे लेकर चलोगे। अभी जो यहाँ पर एडिशनल असेंबली सीट दी जा रही है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक तरीके से फिर से यहाँ पर जो असेंबली जो सेगमेंट है 83 लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें कुछ कम्युनिटी को अलग से फोकस किया गया है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे जैसे शेड्यूल कास्ट के अंदर जो हिंदूज कम्युनिटी है उसमें सांबा हो गया, कथुआ हो गया, इसी के साथ में जम्मू उधमपुर बेल्ट हो गई, तो ये यहाँ पर अलग से फोकस इसके अंदर किया गया है। इसी के साथ में 9 सीट जो है यहाँ पर वो शेड्यूल ट्राइब को दी गई है। रजौरी और जो पुंछ बेल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, मैप में आप लोग देखोगे तो समझ पाएंगे। ये हो गया बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जो पुंछ और रजौरी वाला एरिया पाकिस्तान के काफी ज्यादा पास में देखने को मिलते हैं, और कई बार आप लोगों ने यहाँ पर उल्टे सीधे अटैक की बातें भी कई बार सुनी होगी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इससे कनेक्ट कर आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते बोला गया कि जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पर उसकी मेथोडोलॉजी कैसे फॉलो की गई है, उसको लेकर यहाँ पर कई सारी बातें बोली जा रही है कि ये किस तरीके से आप लोगों ने सीटें जो है वो डिवाइड कर दी गई है। अगर नॉर्मली पॉपुलेशन के बेस पर सीट डिवाइड की जाए तो यहाँ पर लगभग जो 2011 का सेंसस यानी कि जनगणना हम लोग फॉलो करें तो 68 लाख के करीब यहाँ पर पॉपुलेशन आप लोगों को नजर आएगी वैली के अंदर में, और 51 जम्मू के अंदर में। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 68 जो लाख पॉपुलेशन है उसको 51 सीट मिलेगी बेसिकली वैली के अंदर में, और अगर जम्मू के अंदर जाएंगे तो 53 लाख पॉपुलेशन उनको 39 सीट मिलनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग पूरा पैटर्न फॉलो करें यहाँ पर बेसिकली इसका जो कि पॉपुलेशन के बेस पर है, तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पर लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बातें बोलकर यहाँ पर जो बेसिकली राइटर बोल रहे हैं कि हाँ कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बोल रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये लोगों को डिवाइड करने वाला है, इसको मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इसी के चलते वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में खासकर जो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का अभी ये मुद्दा जो है वो कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है कि क्या आप लोगों ने आर्टिकल 370 या फिर 35A जो इस तरीके से इनऑपरेट किया था, क्या ये सही है? ये मुद्दा अब तक कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, तो वो भी एक सोचने समझने वाला मुद्दा है, उसको कैसे लेकर चलना है। अभी आज की डेट में यहाँ पर स्टेटहुड की मांग की जा रही है कि एक नया राज्य बनना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग यूनियन टेरिटरी बनकर रहेंगे। इसी के साथ में लैंड जॉब और जो यहाँ पर डेमोग्राफिक कल्चर उनको भी यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिलनी चाहिए कि यहाँ पर कोई उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो काफी अलग तरीके से चीजें देखी जा रही हैं। अब यहाँ पर यह कि कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, तो राइटर का एक मानना है यहाँ पर कि एक तो हो गया हम लोग चीजों को उनके ऊपर थोपे, दूसरा हो गया वहां पर उनको सहमत करें और वहां पर एक डेमोक्रेटिक वे में चीजों को लेकर चलें, बातचीत के चलते मिलनसार तरीके से चीजें चलेंगे तो लंबे समय तक वो सस्टेनेबल रहेगा, वरना ये सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है, काफी ज्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, इसी के चलते जो गुपकर अलायंस है वो भी यहाँ पर इसके चलते अपनी जो बातें हैं यहाँ पर सामने रख रहा था, ठीक है। तो ये गुपकर अलायंस इसीलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे इन सब चीजों को लेकर। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी था यहाँ पर कि गुपकर अलायंस बनाया गया था 4 अगस्त 2019 में, ताकि प्रोटेस्ट कर सके कि इतनी ज्यादा फोर्स जो है आर्टिकल 370 हटाने से पहले क्यों जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय की गई, और उसी के बाद में फिर यहाँ पर जब आर्टिकल 370 बेसिकली चेंज कर दिया गया तो फिर यहाँ पर गुपकर अलायंस का सेकंड पार्ट आ गया और ये बोलने लगे कि अब हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसके चलते आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A यहाँ पर इसको फिर से लेकर आओ, संविधान एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो J&K था बेसिकली अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको प्रोवाइड करो और फिर से आप लोग इसको स्टेट का दर्जा दो, तो इसको लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लियरिटी रखकर आप लोग यहाँ पर चलना है। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है उसके बारे में जानते हैं हम। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा एक सिस्टम तैयार किया गया कि हम लोग ये बताएं किस एरिया में कितने लोग आते हैं, और उस एरिया में जितने लोग आते हैं उनको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए उस एरिया में, और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधायक है और जो सांसद है उसके हिस्से में यहाँ पर कौन आता है, बेसिकली यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन आती है। तो अभी ये पूरा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैप पहले ऐसा कुछ हुआ करता था, फिर आगे चलकर आप लोग को देखने को मिला डिवीजन हो गए, ये वाला रीजन जो है पाकिस्तान के अंदर में चला गया गिलगित बल्तिस्तान वाला, और यहाँ पर ये वाला रीजन भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ यहाँ पर कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चाइना के कंट्रोल में यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन जो अभी नया मैप है लेटेस्ट मैप है उसमें कुछ ऐसा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बड़ा रीजन बना दिया लद्दाख का। तो इसे कोई पूछे अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ में कौन टच करता है,
तो याद रखना हमेशा लद्दाख टच करता है, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो गया जो कि अलग से एक पोर्शन बना दिया। तो अभी यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में। तो उसके लिए यहां पर याद रखिएगा, यहां पर रंजन जो प्रकाश देसाई इनकी अध्यक्षता में यहां पर ये कमीशन बनाया गया, जिन्होंने अभी बताया कि कैसे कैसे आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर चल सकते हैं। तो ये तो देखिए नॉर्मली आप लोगों से कोई पूछेगा कितनी सीट किसको दी जा रही है, ये लोकल इश्यूज होते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। पर हाँ आप लोगों को फिर भी बता देता हूं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कि इनके द्वारा भी चीजें प्रपोज की गई कि 6 सीट फॉर द यहां पर जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के लिए बढ़ा दी गई, इनके द्वारा एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। इसी के साथ में यहां पर 1 सीट जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए, यहां पर इनके जम्मू और कश्मीर अलग अलग है ना, तो जम्मू के लिए यहां पर 6 और कश्मीर के लिए 1 सीट बढ़ा दी गई है। इसी के साथ में जो रिजर्व सीट है 16 वो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो यहां पर इसके चलते। पर लेकिन यहां पर जो अपोजिशन के लीडर, उनको ये लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा इसका अपोज करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो कमीशन था ये हेड किया गया यहां पर, जो मैंने बताया अभी रंजन, जो यहां पर याद रखे रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा, ठीक है। तो आरपीडी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 5 जो बेसिकली एसोसिएट मेंबर थे इंक्लूडिंग यहां पर पार्लियामेंट जो मेंबर थे बीजेपी के, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ये यहां पर देखना, पर इंपॉर्टेंट इनका नाम याद रखना। अब मैं आप लोगों से जो बातें करूंगा वो करूंगा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। यहां पर ये क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं लिमिट बोल सकते हैं या फिर बाउंड्री किसी पर्टिकुलर टेरिटरी की, एक एरिया की, अच्छा ये वाले एरिया में से ये लोग आएंगे और ये वोट डाल पाएंगे, तो उसका काम यहां पर किया जाता है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहां पर हर एक पॉपुलेशन के लिए, कि हाँ जो भी यहां पर इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनके द्वारा चुना गया और यहां पर उन्हीं के द्वारा वोट दिए गए, और इतना ही पावर यहां पर हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में, ऐसा नहीं कि एक मेंबर पार्लियामेंट ताकतवर है दूसरा कमजोर है, ठीक है। तो फेयर डिवीजन होना चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया का, और हर एक वन वोट वन वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि मेरी वोट की वैल्यू जो है वो आधी है और आप लोगों की वोट की वैल्यू जो है वो फुल है, ऐसा थोड़ी ना है। हर एक इंसान की वोट की वैल्यू जो आप लोगों को इक्वल नजर आएगी, तो इसलिए ये जरूरी है कि उसको उसी तरीके से लेकर चला जाए। अगर इसके बारे में बात करें तो अंडर आर्टिकल 82 यानी कि 82वां जो आर्टिकल है संविधान के अंदर में, वो डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करता है, और ये कहां से निकल कर आता है, जनगणना से, यानी कि सेंसस से, यानी कि जब लेटेस्ट जो भी सेंसस होगा जनगणना होगी उसके बाद में आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन लेकर आओगे, यानी कि जब जनगणना होगी तो जनता की संख्या बढ़ गई देश के अंदर में, जब जनता की संख्या बढ़ गई तो पता होना चाहिए कि संख्या बढ़ गई तो उसको कैसे टैकल करना है, उनके हिस्से में कितने कितने यहां पर लोग आने चाहिए, तो फिर उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन यहां पर पूछे, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप लोगों से बातें होगी। तो आर्टिकल 170 आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर डिवाइडेड करता है टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है। तो यहां तो 82 ये बोलता है कि सेंसस के बाद में होना चाहिए, और 170 ये बोलता है कि यहां पर डिवाइड करना है टेरिटरीज को। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, पर यहां पर जो एक्साइज कैरी की जाती है प्रेसिडेंट के नाम पर, तो प्रेसिडेंट करते हैं पर बनाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर इसमें हेल्प करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें इसके साथ मिलकर ये एक्साइज की जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था 1952 में, इसके बाद में ये कई बार आया 1952, 1963, 1973 और 2002 में, और इसी के बेस पर एक्ट बने 1952, 1962, 1972 और 2002 में इसके बेस पर एक्ट भी बने, यानी कि अलग अलग टाइम पर ये लाया गया और इसके ऊपर एक्ट भी बनाए गए। डिलिमिटेशन कमीशन जो आप लोग बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यहां पर पार्ट रहता है जैसा मैंने बताया। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे जहां पर ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है, तो वहां पर भी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो फंक्शन क्या रहते हैं इनके, कि किस तरीके से नंबर ऑफ बाउंड्रीज वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह आप लोगों को डिवाइड करनी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, उनको कितनी सीट आप लोगों को देनी है, इसी के साथ में केस द डिफरेंट ओपिनियन अगर किसी भी कमीशन का जो यहां पर रहता है मेजोरिटी के बारे में, तो यहां पर कुछ डिफरेंस आता है इनमें जो यहां पर, अगर तो उसको जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक बॉडी है यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन जो है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर एक तरीके से इसके अंदर बात करें तो बात की जा रही है कि कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बिफोर कोर्ट, ये जो भी काम करेगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा कोर्ट के अंदर में, ये बातें भी यहां पर इसके अंदर बोली गई है। तो ये इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल था, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में डिटेल में बता दिया। आगे चलते हैं, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहां पर एक पूरी स्कीम आप लोगों की कवर हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। बात की जा रही है हेल्थी वे टू कुक, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें अपने देश के अंदर में, यहां पर एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अभी सेकंड पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, क्योंकि यहां पर 2019 में जब यहां पर बेसिकली इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो फर्स्ट फेज को यहां पर 2020 में कंप्लीट करना था, पर लेकिन 2020 से पहले उसको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि 2019 में इलेक्शन थे, तो यहां पर उसके चलते ये काफी लार्ज स्केल पर जो स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो उसके चलते हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था।
अभी वो भी कवर करूंगा और इसी के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि अच्छे से आप लोग आर्टिकल को समझ सके। तो पूरे ध्यान से सुनेगा, पूरी स्कीम आप लोग यहां पर कवर हो जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर सेकंड फेज जो यहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको PMUY या फिर उज्ज्वला 2.0 भी आप लोग बोलते हैं। आखिर क्या है ये स्कीम, अगर इसके बारे में बात करूं, देखिए हमारे आज के डेट में देश में अगर आप लोग बात करिए, जो घरों में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है और उसके साथ में जी जिसमें दूध गर्म किया जाए, जो हारा नहीं होता है घर में उसमें दूध गर्म करते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरीके का कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा सिस्टम। तो उसमें यहां पर जब यहां पर दूध गर्म किया जाता है तो वो नॉर्मली काफी एक ऐसा पैटर्न होता है, ये माना जाता है कि यहां पर जो चीजें यूज करते हैं उससे महिलाओं की हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आज की डेट में भी अगर आप लोग, मैक्सिमम मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, लगभग 85% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी होगी जो नहाने का पानी कभी भी गैस के ऊपर गर्म नहीं करेगा, या तो वो हीटर के ऊपर गर्म करेगा या फिर वो आयरन रोड से उसको गर्म करेगा। क्या ऐसा कोई है जिसने नहाने का पानी जो है वो गैस के चूल्हे के ऊपर गर्म किया है? आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसको करने से लोग बचते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा महंगी है यहाँ पर गैस, तो उनको ये लगता है फालतू में गैस बर्बाद क्यों करनी, इससे अच्छा तो बिजली आ रही है हीटर चलाकर उसके ऊपर पानी रख देते हैं। ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, तो वो सारे पैटर्न जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे देश में अगर आप लोगों ने आज के डेट में जो सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड करा भी दिया, फिर भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे कि क्या सिलेंडर मिलने के बाद में उनका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे यहाँ पर राइटर भी बेसिकली बताने की बात करते हैं कि आज की डेट में भी लोग जो है वो चूल्हों पर अपना रोटी बनाना पसंद करते हैं और पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, ये इस बेसिकली घर में सिलेंडर इसलिए यूज किया जाता है कि चलो यार मेहमान आ रखे हैं, फटाफट चाय बनाकर दे देते हैं, तो वो वाला पैटर्न आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं लोग जो है हमारे देश में आज की डेट में भी उस लेवल पर हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये इतनी सारी चीजें जो इतनी महंगी अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सब्सिडी मिलना वो सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है, वरना अच्छे से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। अभी अगर बात करें, यहां पर मेंशन किया गया था गोबरधन, गोबरधन मतलब एक तरीके से जो गोबर के उपले वगैरह यूज किए जाते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता है। तो यहां पर काओ डंग के बारे में बात की गई थी एनर्जी के लिए, और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10th of August को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन यहां पर इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया। उज्ज्वला जो है यहां पर ये काफी एंबिशियस प्रोग्राम, यहां पर बात करें हमारे देश में, और हम लोग बोल रहे हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को 2024 तक 5 trillion बनानी है, तो उसके चलते हम लोग इसको भी लेकर चलते हैं। जब पहली योजना यहां पर लॉन्च की गई तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा फिर बोले कहां से आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बारे में आप लोग याद रखेगा, इसके द्वारा नॉर्मली ये आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जब सेकंड के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि दूसरी मिनिस्ट्री तो अब आएगी नहीं कि भाई पहली तूने ले ली दूसरे वाली स्कीम मुझे दे दे, तो इसी का सेकंड वर्जन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी यहां पर माइग्रेंट जो वर्कर है उनके लिए काफी ज्यादा फैसिलिटी इनमें प्रोवाइड कराएगी ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और उनको यहां पर ये स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ताकि एक इंसान कहीं से दूसरे एरिया में जाता है तो वहां भी इस स्कीम का फायदा उठा सके। तो उद्देश्य तो यार ऑब्जेक्टिव तो इसके सॉरी यार ये थे कि इंपावर करना है, सशक्तिकरण करना है यहां पर, ताकि हेल्थ के मामले में ध्यान रखा जा सके। क्योंकि जच्चा और बच्चा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मियां खाना बनाती हैं तो बच्चे जो होते रहते हैं उनके पास में ही वहां पर बैठे रहते हैं, तो इसके चलते धुआं जो होता है वो बेसिकली उनके भी आप लोगों की बॉडी में एंट्री करता हुआ नजर आएगा। तो कई बार यहां पर इसकी वजह से ये आप लोग इनडायरेक्ट स्मोकिंग इसको बोल देते हैं, यानी कि बिना धूम्रपान किए हुए भी इंसान जो है वो उसी बीमारी का शिकार हो रहा है जो धूम्रपान करने वाले लोग शिकार होते हैं। तो इसके चलते यहां पर अगर हम लोग ये प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो जो लोगों की डेथ हो रही है वो यहां पर बेसिकली बच जाती है, लोगों की हम लोग जान बचा लेते हैं, जो कि अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से होती है, इनके जो गोबर के उपले या फिर लकड़ियों को जलाया जाता है उसकी वजह से होती है। और चाइल्ड के बारे में भी आप लोगों से बात की, उसमें भी काफी सारी सांस की बीमारी जो आप लोगों को देखने को मिलती थी बच्चों की, जब इंडोर पोल्यूशन यानी कि घर के अंदर जब यहां पर प्रदूषण आप लोगों को देखने को मिलता था जब यहां पर ये सारी चीजें कुकिंग होती थी। देखिए एक तो ये कि घर काफी खुला खुला है, ठीक है, तो वहां पर तो फिर भी एक बार को चलो चीजें बन जाती है, जब घर जो है वो भी चारों तरफ से बंद है और वहां पर चूल्हा चलाया जाता है और उसमें यहां पर जब हारे में ये सारी चीजें गर्म की जाती है, लकड़ी पे खाना बनाया जाता है, तो पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है, तो उसकी जैसे जो धुआं धुआं वहां पर हो गया वो काफी ज्यादा हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके चलते जरूरी हो जाता है कि इनके बारे में बातें की जाए। विशेषताएं क्या है अगर बात करें तो ये स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है 1600 का ईच कनेक्शन, जो कि यहां पर बीपीएल जो हाउस होल्ड है, और यहां पर जो डिपॉजिट होता है एलपीजी कनेक्शन का, यहां पर इसके बारे में बात करें तो ये फर्स्ट रिफिल में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और हॉट प्लेट वगैरह भी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि स्टार्टिंग से यहां पर ये स्कीम जो है वो टारगेट की गई थी एक ऐसे तबके के लिए सोसाइटी के जो कि यहां पर खुद से ये सिलेंडर वगैरह नहीं खरीद सकता, तो उस तबके में जो महिलाएं आप लोगों को देखने को मिलती थी उनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा यहां पर असर पड़ता था। तो ऐसी अगर हमारी कोई मां बहन है इस तरीके से अगर कोई यहां पर चूल्हे पर ये सारी चीजें यूज करती हैं तो उसकी हेल्थ को सही रखना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसलिए यहां पर उज्ज्वला फर्स्ट स्कीम स्टार्ट की गई 50 मिलियन के लिए,
कि बोला गया कि यहां पर लगभग 5 करोड़ महिलाओं को यहां पर ये सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाएगा 2018 तक का। बोला गया एससी एसटी प्रधानमंत्री आवास जो योजना वाले हैं, बेनिफिशियरी अंत्योदय योजना वाले, फॉरेस्ट ड्वेलर, मोस्ट जो बैकवर्ड कम्युनिटी है सोसाइटी के अंदर चाय की खेती करने वाले और जो आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें ये एडिशन भी यहां पर देखने को मिला। उज्ज्वला 2.0 में 10 मिलियन इसको बेसिकली यहां पर कर दिया गया, ठीक है, यानी कि अभी यहां पर एडिशनल यहां पर 10 मिलियन और यहां पर बेसिकली आप लोगों को सिलेंडर वगैरह देखने को मिलेंगे, तो और इसमें आगे चीजों को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया कि पाइप गैस भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी लगभग 21 लाख घरों को 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिनको वो डायरेक्ट सिलेंडर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे वहां पर पाइपलाइन भी अभी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा, सिलेंडर उठाने लाने ले जाने की दिक्कतें दूर होगी। घर पे अगर कोई मेल नहीं है तो महिलाओं को दिक्कत हो जाती है, तो वो भी दिक्कतें दूर होगी। तो प्रॉपर आप लोग अपना प्रीपेड अपना रिचार्ज करवाना है और सिलेंडर अपना भरकर लाइफ को एंजॉय करना है। तो अचीवमेंट क्या है यहां पर अगर बात करें, फर्स्ट फेज में यहां पर 8 करोड़ पुअर फैमिली को यहां पर इंक्लूडिंग दलित कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी को यहां पर फायदा पहुंचाने की कोशिश इसके थ्रू की गई है। और आज की डेट में यहां पर लगभग 11,000 के करीब नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए हैं जहां से हम लोग इनको रिफिल कर पाते हैं, पर लेकिन फिर भी यहां पर काफी ज्यादा चैलेंज देखने को मिलेगा। जिसको सिलेंडर आप लोगों ने दे दिया वो इंसान जो है वो फिर से उस सिलेंडर को रिफिल करा ही नहीं रहा है, उसके पास में यहां पर इतना जुगाड़ी नहीं है कि वो इसको रिफिल कराए। एक भरा दिया, उसको भराकर चला रहे हैं 6-6 महीने, फिर यहां पर नेक्स्ट जो है साल में लगभग 2 ही सिलेंडर यूज करें जैसे तैसे करकर इस तरीके से चीजें की जा रही है। यानी कि जिस पर्पज के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था वो पर्पज जो है वो डिफीट होता हुआ कई बार नजर आता है, पर लेकिन इतना भी नहीं, जितने अच्छे लेवल पर चीजें यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फायदा नहीं पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, पर लेकिन गरीबी जो है वो यहां पर आड़े आ जा रही है। तो चैलेंज है यहां पर लो कंज्यूम जो लो कंजप्शन ऑफ रिफिल का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी बिग चैलेंज यहां पर राइटर के द्वारा बताया जाता है, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो विसंगतियां जो है यहां पर काफी ज्यादा निकल कर आती है। एक तो यहां पर एश्योरेंस ऑफ द कनेक्शन जो है यहां पर एक तरीके से बेनिफिशियरी जो है वो किसको मिल रहा है यहां पर वो देखना पड़ेगा आप लोगों, ठीक है। इसी के साथ में प्रॉब्लम जो है यहां पर वो कई बार जो स्टेट रन आइडेंटिफाई करते हैं बेनिफिशियरी को यही इंसान है वो दिक्कतें देखने को मिलती है, और कई बार डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है जो घपले यहां पर निकल कर आते हैं। तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा स्कीम को कैसे लेकर चलना है, दोनों लोगों के लिए अवेलेबल प्रोवाइड कराओ ढंग से, चाहे वो शहर में गरीब हो चाहे वो गांव में गरीब हो, तो उनके लिए यहां पर ये चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराने की, खासकर स्लम एरिया में जो झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं उनके लिए तो जरूर करना चाहिए आप लोगों को जुगाड़, क्योंकि कल को चलकर चूल्हे वगैरह उन सब चीजों पर अगर रोटी बनाई जाती है तो आग लगने के भी चांसेस काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में हायर एलपीजी कवरेज होना चाहिए पॉपुलेशन का, खासकर जो कि यहां पर इसको खरीद नहीं पाते हैं। आधार कार्ड को ढंग से यूज किया जाए यहां पर ताकि दिक्कतें कोई देखने को नहीं मिले, डुप्लीकेशन को हटाया जाए और सॉफ्टवेयर जो कि यहां पर इस तरीके से चीजों को लेकर चलता है उसको प्रॉपर वे में अपडेट किया जाए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो उज्ज्वला जो स्कीम है अगर उसको ढंग से लेकर चलेंगे तभी यहां पर वुमेन को जो है फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी अगर देखी जाए ढंग से तो सही तरीके से हम लोग को इसको लेकर चलना चाहिए अगर चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। कई सारे एरिया में एलपीजी के जो रिफिल किए जा रहे हैं काफी अच्छे लेवल पर, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग भी की जा रही है, ठीक है। कई सारे ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन कई सारे ऐसे एरिया ऐसे भी है कि सिलेंडर घर में रखा हुआ है फिर से उन्होंने गोबर के उपले वगैरह और लकड़ियां यूज करनी स्टार्ट कर दी है, तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दोनों चीजें जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है और उस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है कि जिस पर्पज के लिए स्कीम बनाई गई थी वो पर्पज यहां पर फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर नविया के द्वारा, काफी अच्छे से आंसर दिए गए सारी चीजों के जो एक एक कर मैंने आप लोगों से यहाँ पर पूछे थे। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है, कहीं पर भी कोई डाउट वगैरह तो आप लोग बताया करो, और सारे क्वेश्चन के आंसर इनके द्वारा प्रॉपर दिए गए हैं, एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड करा दिया करो टेलीग्राम पर, चलिए सही है, एसएलवी पीडीएफ वाले पर मैं उनको पोस्ट कर दिया करूंगा जब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर। वैसे कमेंट बॉक्स में रहते हैं आप लोग, वहां पर भी चीजें पोस्ट करवा रहे हो, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, आप लोग वहां पर मतलब इनको रहने दो, कम से कम एसएलवी पीडीएफ पर सारी चीजें रहती है आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, सब बच्चे आंसर देते हैं, ठीक है, पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो देख लूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आप लोगों से यहां पर पूछा था इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर काफी डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहले जो एसए के लिए कोटेशन दिया करते थे वो क्यों बंद कर दी, यार देखो अभी आप लोगों का ना प्रीलिम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रीलिम्स निपट जाने दो, उसके बाद में फिर उसको स्टार्ट कर दूंगा। वैसे मैं 50 के करीब कोटेशन आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, उनका थोड़ा रिविजन कर लीजिए ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न देखने को मिले, तो उनको आप लोग कवर कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।